ध्यान से सोचिए, उसमें दू गुना से काम नहीं चलेगा, पानियों नहीं पीत पाता, एकदम पानी पिला लियो। डॉक्टर एक मशीन रख ले रहता है, 4,000 रुपया ले लेगा, कहेगा 2 महीना बाद फिर आइएगा। यह है नेफ्रॉन, जो हम छोटा छोटा बनाए थे ना, उसको जूम कीजिएगा तो ऐसे ही दिखेगा। और ये आपका किडनी, क्या ये किडनी है, ठीक है। नेफ्रॉन कोशिकाएं गुच्छे की तरह होती है, नेफ्रॉन कोशिकाएं गोल नहीं होती है, बल्कि कैसी होती है, गुच्छे। 3 लाख जो नेफ्रॉन एक किडनी में, इधर 3 लाख जो नेफ्रॉन है ना, एगो में 3 लाख इधरों रहता है। तो देखिए ध्यान से, तो ई किडनी में जो नेफ्रॉन है वो गोल नहीं होता है, इस शेप में नेफ्रॉन होता है। इसको बस छोटा करके देख लीजिएगा तो आपको गोल दिखने लगेगा, जैसे नेफ्रॉन देख रहे हैं कैसे होता है, इस टाइप का होता है नेफ्रॉन। ये हेनली लूप हो जाएगा, ये क्या हो गया नेफ्रॉन। ऐसा कहे को नेफ्रॉन होता आपको दिखता गोल, क्योंकि क्या होता बहुत छोटा होता, छोटा दिख गया, हो गया छोटा, हो गया छोटा, हो गया छोटा। अब समझना, आपको लगेगा इतना छोटा, जब उसको जूम कीजिएगा तो बहुत बड़ा होता है। अब जब डॉक्टर साहब इसको क्या किया सर, जूम किया सर, इसको जूम करें, ऐसे हो गया आपका, किसी को दिक्कत, इतना बड़ा नहीं होता है, एकदम छोटा छोटा होता है। वो तो हम आपको जूम करके दिखा दिए आपका, और आपको समझ में आया कि किडनी की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। किडनी की कोशिकाओं को नेफ्रॉन। देखिए, फेफड़ा में ब्लड जाता है ऑक्सीजन ले जाने के लिए, और कोई काम नहीं है। फेफड़ा में ब्लड जाता है ऑक्सीजन, दूसरा कोई काम नहीं है, नो एनी अदर वर्क। ऑक्सीजन ले गया, CO2 पटक के चला आया। किडनी में जाता है ब्लड के अंदर जो गंदगी है उसको छानने के लिए, क्योंकि हम लोग अकट बकट कुछ खाए हैं, उसको बड़ी छोटी याद क्या किया है, सोख लिया, छोटी आंत सोख ले, किसको दे दिया है, लीवर को, और लीवर किसको दे दिया है, ब्लड को। अब ब्लड कहेगा कि सब चेक कर लिए हैं ना, इसमें कोई अकड़म बकड़म नहीं ना खा गया है, जहर वहर तो नहीं ना खाया है, तो जहर वहर खाया रहेगा तो लीवर कह देगा हम निपटा दिए हैं। जहर को कौन काट देता है, लीवर। अब बाकी किसमें मिला दिया, ब्लड में। कोई जरूरी थोड़ी है कि ब्लड में आप अच्छा ही खाए रहे, खाना में अच्छा ही थोड़ी करे जरूरी है, तो उसको छानने उने का काम कौन करेगा, हाँ किडनी काम करेगा, छानने का काम किडनी। तो एक नस होगी किडनी में जाने के लिए, और एक नस होगी किडनी में आने के लिए, और तीसरी एक नस होगी जो फालतू पदार्थ उसे बाहर निकालने के लिए। ध्यान से सोचिए, उसमें 2 गो नस से काम नहीं चलेगा, एगो से ब्लड जाएगा, एगो से ब्लड छना के आएगा, और जो कचड़ा फंस गया तो एक ठो से नीचे आएगा कि नहीं आएगा। तो किडनी एकमात्र जगह है जहां कितनी नस जाती है, बाकी सब जगह देखिए, एगो धमनी जाएगा, एगो सीरा, आर्टरीज और हैं। इस लंबी संपूर्ण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, डायलिसिस। जब कभी भी किडनी क्या करता है, डायलिसिस। अब किसी का किडनी ये काम नहीं करेगा तब क्या करिएगा, अब किडनी काम नहीं करेगा तो क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर एक मशीन रख ले रहता है, वो मशीन में भी यही सारा सिस्टम होता है। मशीन भी क्या करेगा, ब्लड में से गंदगी को निकालेगा, फिर कैल्शियम उल्शियम को रोक लेगा, वापस भर देगा। तो नस एगो ब्लड निकालेगा, यहाँ से नस में एक ठो पहनाएगा, नीरी लगाएगा, इसमें से नस निकालेगा, नस में से क्या निकलेगा, ब्लड। अब ब्लड को कहाँ डाल देगा, मशीन में, किसमें डाल देगा, मशीन में डाल देगा। मशीन में क्या होगा, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, गंदगी को करेगा साइड, वापस पुनः अवशोषण करेगा, और फिर मशीन क्या करेगा, दूसरे साइड से भेज देगा ब्लड को, वह ब्लड हो गया शुद्ध, और इधर चढ़ा देगा, कहेगा जाइए आपकी डायलिसिस हो गई, आधा घंटा में डायलिसिस हो जाता है, 4,000 रुपया ले लेगा, कहेगा 2 महीना बाद फिर आइएगा, फिर लेंगे पैसा। मशीनवा का सस्ता आता है, चरखा चला रहा है क्या वो किडनी होगा उसके पास, काम नहीं करता होगा, किडनिया में बीमारी हो जाएगी, काम नहीं करेगा, बुढ़ौती में बहुत बहुत बीमारी होता है। अभी आप लोग यंग है, थोड़े समझ में आ रहा है आप लोग को, हमारे उम्र के आइएगा तब समझ में आएगा, किडनी, लंग्स, फेफड़ा, लीवर, गठिया, दमा सब चीज होने लग गया तब समझ में आएगा।
हो गया खत्म किडनी उडनी। किसी को क्वेश्चन में डाउट है किडनी में? किडनी में डाउट है कोई? चार महीने होता, देखो बाबू एक बार ब्लड को छान देते हैं तो अमूमन माना जाता है कि आरबीसी 120 दिन जिंदा है, समझ आ गया कि नहीं? तो डॉक्टर कहता है कि आप 3 महीने तक में आपको दोबारा फिल्ट्रेशन नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी किडनी किस लेवल की खराब है। अगर एकदम में काम नहीं कर रहा है तो हर महीने डायलिसिस के लिए बुलाएगा, तनी मनी काम कर रहा है तो डायलिसिस किया, 1 महीना किडनी झेला, 2 महीना झेला, आप किडनी कहेगा कि ना ना ब्लड में बहुत गंदगी हो गई है, ब्लड में बहुत गंदगी होगी, चक्कर आएगा, सर में भारी लगेगा, ब्रेन कहेगा ये कैसन ब्लड में मिलावट दे दिया है रे, तो फिर आपको क्या करना है? डायलिसिस करना। डिपेंड करेगा कि किस लेवल का किडनी डैमेज है, समझ में आएगा? सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, एकदम किडनी डैमेज, बहुत मतलब किडनी मतलब बहुत ज्यादा मतलब, अब वो डॉक्टर बताएगा, ठीक है? क्योंकि हफ्ता में 2 बार डायलिसिस का मतलब समझ रहे हैं आप, किडनी काम अच्छा से नहीं कर रहा, एकदम काम नहीं कर रहा है किडनी, ठीक है? अब देखो बीमारी भी 2 टाइप की होती है, एक लॉन्ग टर्म हो जाती है, एक शॉर्ट टर्म। जैसे मान के चलिए हमारे अखिये पे कोनो सामान बक्सा गिर गया ढाए दे, तो 1 हफ्ता तक अखिया काम नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ठीक होगा, रिकवर होगा। तो कई बार किडनी में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जो बाहरी चोट लगने या किसी चीज़ों से हो जाता है, तब तो वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर बुढ़ापा में गया है और बुढ़ौती होने की वजह से जलपा हो गए हैं एकदम, जलपा माने पानियों नहीं उठा पा, जल भी दूसर पिलाता है ना तो उसको कहता है जलपा, पानियों नहीं पीत पाता एकदम, जो पानी पिला लियो क्या क्या कहा जाता है जलपा, खाली पानी पी के जिंदा रह रहा है, मुंह खोल के तो पानी उलो तो उसको क्या कहेंगे? जलपा, एकदम लास्ट स्टॉपेज है वो। अब यहां से चला गया ये ब्लड नीचे।